बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमी स्पीक। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल जो है एजुकेशन रिलेटेड चैनल है, और इस चैनल के अंदर हम बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड मुख्त किस्म की अपडेट्स जो हम वो लेते रहते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड-19 से रिलेटेड, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, जैसा कि मैंने सुना, बहुत से लोगों ने बताया कि जी पेपर्स की जो न्यूज़ है वो चेंज हो गई है। मतलब पेपर्स की जो डेट थी बोर्ड एग्ज़ाम्स की, जो 9th, 10th और इंटर के जो पेपर्स होने थे, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत से लोगों में ये न्यूज़ जो थी वो फैली हुई थी कि डेट जो है वो एक्सटेंड करके जो है वो आगे जुलाई में चली गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है। थी मेरे पास कम्प्लीट ऑफिशियल नोटिस मौजूद है, जो आपको वीडियो के एंड पर मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आप अपडेटेड रहें। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो डेट थी, जो कि पहले डेट थी, वही डेट कंटिन्यू रहेगी। उस डेट में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता SOPs के तहत फॉलो किया जा रहा है कि SOPs को फॉलो करके जो है उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए, उसी बोर्ड पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, चाहे वो मैट्रिक लेवल के हों, चाहे वो इंटर लेवल के एग्ज़ाम्स हों। जो मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम्स की डेट थी, जो पहले डेट बताई गई थी, वही डेट अभी चलेगी कि 4 मई से मैट्रिक के यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे, और मई के लास्ट में यानी तकरीबन 28 मई को जाके जो है वो 9th क्लास के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इसी तरह इंटर लेवल की बात की जाए तो 12 जून इसकी डेट आई थी, तो 12 जून को ही जो है FSC या इंटर लेवल Part 2 के एग्ज़ाम्स, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, और जैसे ही उनका एग्ज़ाम्स का 15 दिन का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, तो देन उसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो किसी तरह की भी डेट में कोई एक्सटेंशन वगैरह अभी तक नहीं की गई है, अभी तक वही डेट रहनी है, उसी डेट के ऊपर जो होगा वो काम चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह आगे भी हम मज़ीद इसके ऊपर अपडेटिंग करते रहेंगे, आगे कोई न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।